नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाले कुछ 10-15 दिनों में शुरू होने वाला है उसके बारे में। आप सबका प्रश्न क्या है, काफी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट सेक्शन में पूछा और काफी सारे विद्यार्थी मुझसे प्रत्यक्ष रूप से भी इस बात को पूछ चुके हैं कि सर, अब एग्जाम नजदीक आ रहा है और टेंशन उनकी एग्जाम के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण वे खुद को डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं। मतलब डीमोटिवेशन नाम का जो एक शब्द है वह उन विद्यार्थियों के ऊपर हावी हो रहा है, जिस कारण से उन्हें एग्जाम को लेकर चिंता हो रही है और उनके मन में डिलेमा आ रहा है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस विषय में हमें विशेष रूप से चर्चा करनी है। इसके अलावा हमें एक बात और करनी है कि अंत समय में अब एग्जाम को लेकर आपकी रिवीजन करने की क्या स्ट्रेटजी हो, आपको किस प्रकार से रिवीजन करना है और किन बातों का ध्यान रखना है। हालांकि इनमें से कुछ पहलू हम अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से टच कर चुके हैं, लेकिन फिर से इस वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बाकी सारी चीज़ें पूरी स्पष्टता के साथ बताई जाएं और जो आपका टेंशन है उसको इस वीडियो के माध्यम से कम करने का पूरा प्रयास किया जाए। सबसे पहली बात आती है कि सर, अब टेंशन बढ़ रही है, डीमोटिवेट फील करते हैं दिन भर एग्जाम के प्रति कि एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी, या आपने पहले एग्जाम दिया हो या फिर किसी विद्यार्थी को या विद्यार्थियों के खेमे को आपने एग्जाम देते हुए देखा हो। जब आप उस खेमे से मिले होंगे तब आपने एक चीज जरूर पाई होगी, दो प्रकार के स्टूडेंट वहां पर आपको मिले होंगे, प्रकार वन और प्रकार टू। आपने उनसे ये सुना होगा कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो टेस्ट में बढ़िया स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एग्जाम में उन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर किया और उनका सिलेक्शन होना लगभग सुनिश्चित हो चुका है। और कुछ अभ्यर्थी आपको ऐसे भी मिले होंगे जिनके बारे में आपको सुनने में आया होगा कि इनके टेस्ट में तो बढ़िया नंबर आते थे लेकिन एग्जाम में इनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं रही। उसके पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं, उनको नींद सही से नहीं आई, उनका दिमाग उस टाइम पर सही से नहीं चला। इन सब का कारण क्या है दोस्तों? इन सब का कारण है एग्जाम के पहले आपका टेंशन लेना, आपका तनाव लेना। और फिर आपने पाया होगा कि जिनके नंबर कम आते थे या जिन्होंने थोड़ी कम मेहनत करी थी, मैं थोड़ी कम की बात कर रहा हूं, ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा कि जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी और वो फ्री होके बिल्कुल शांत मन से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे आया, उसका सिलेक्शन हो गया। उसका तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा जिसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, इस बात को आप ध्यान रखें। बात यहां पर उन विद्यार्थियों में से चल रही है जिन्होंने थोड़ी बहुत कम मेहनत करी और जिन्होंने बहुत ज्यादा अथक प्रयास किए। तो कई बार अथक प्रयास करने के बाद भी अभ्यर्थी एग्जाम में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता, आप दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा खूब मेहनत करी थी, टेस्ट में बढ़िया नंबर आ रहे थे, लेकिन किसी भी कारण से एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही। और दूसरे प्रकार के वे विद्यार्थी होते हैं जिनके टेस्ट में 2-4-5 नंबर कम थे लेकिन एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की और उन विद्यार्थियों की तुलना में बढ़िया स्कोर किया जो टेस्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस करते थे और बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेहनत करी थी। इसका कारण क्या था? तनाव को मैनेज करना, जो टेंशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं। तो यदि आप ज़्यादा तनाव लेंगे तो एग्जाम में आपको समस्या जाने वाली है, आपका एग्जाम खराब भी हो सकता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब समझने वाली बात क्या है, आप परेशान इस बात को लेकर होंगे कि चिंता सिर्फ आपको हो रही है। आपके तनाव को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो वास्तविक हैं, जो एक्चुअल में घटित हो रही हैं आपके आसपास। आप चिंतित हो रहे हैं कि चिंता सिर्फ आपको हो रही है। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले हैं हर विद्यार्थी उसी प्रकार से चिंतित होगा, उसको उतनी ही समस्याएं होंगी, उतना ही टेंशन होगा जितना कि आपको है। बस जीत उसी की होनी है जो इस टेंशन को ओवरकम कर लेगा। यदि आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत कमी है फिर भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने दिमाग को शांत रख के एग्जाम देने जाएंगे तो पता है अंतर क्या आएगा? दो प्रकार के विद्यार्थी हम फिर से कर लेते हैं। एक वे जिन्हें चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता मुक्त होके बिल्कुल बिंदास तरीके से एग्जाम देने जाने वाले हैं, और दूसरे प्रकार के वे अभ्यर्थी जो चिंतित होके या दिमाग में टेंशन लेके एग्जाम देंगे तो फिर स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है, रात को नींद नहीं आती एग्जाम के पहले, तो समस्या क्या उत्पन्न होती है? समस्या यहाँ पर यह आती है, जो बढ़िया उन्मुक्तता के साथ पूरे प्रसन्नचित होकर बिना टेंशन के पूरी नींद लेकर एग्जाम देता है उससे सिली मिस्टेक्स कम होती हैं। जो आसान प्रश्न होते हैं
वहां पर गलत होने की संभावना कम हो जाती है। और आपको एक बात याद रखना है, जो आसान प्रश्न होते हैं वे लगभग सभी विद्यार्थी सही करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी खूब मेहनत करता है, और दोस्तों मेहनत जो विद्यार्थी करता है उसके लिए चिंता होना लाजमी सी बात है, उसको तनाव होगा ही एग्जाम को लेकर, लेकिन ज्यादा तनाव के कारण उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। खूब मेहनत करी लेकिन रात को नींद नहीं आ पाई, फोकस से पेपर नहीं दे पाए, ज्यादा चिंतित थे, इसके कारण दोस्तों क्या होता है कई बार जो एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो आसान प्रश्न थे जो अक्सर सभी विद्यार्थी सही करेंगे, वो प्रश्न ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी गलती से गलत कर देते हैं। कई बार प्रश्न में नहीं पढ़ पाते, प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उसको सही से समझ नहीं पाते, क्योंकि रात को नींद सही से नहीं ली और एग्जाम में भी चिंतित हैं, तो ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। किन है? जिन्होंने खूब मेहनत करी और तनाव ज़्यादा प्रेशर ले लिया एग्जाम का, रात को नींद नहीं आई, ऐसे विद्यार्थियों को अब क्या किया जाए? चिंता की बात क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों तनाव लाजमी है जिसने मेहनत करी है उनके लिए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी स्थिति ही ऐसी है। लगभग सारे विद्यार्थी जो डिजर्व करते हैं सिलेक्शन, सबकी स्थिति ऐसी ही है, बस अब आज से और इस स्थिति से आप उसे मैनेज किस प्रकार से करते हैं एग्जाम तक, क्योंकि अब जो समय बचा हुआ है, याद रखें मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके शुरुआती हफ्ते में, शुरुआती वीक्स में, शुरू के 2-4-10 दिनों में जिनका एग्जाम है, मैं उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ जिनका बीच में एग्जाम है और लास्ट में एग्जाम है, उनके लिए भी यह स्ट्रेटजी उसी प्रकार से एप्लीकेबल होगी जब उनका एग्जाम पास में आने वाला होगा, ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो तनाव है वो सभी विद्यार्थियों को बराबर है, आज से या जब 10-20 दिन बचते हैं एग्जाम को, तब लड़ाई पढ़ाई की नहीं रह जाती, लड़ाई रह जाती है आप किस प्रकार से अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखते हैं, ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तनाव सबके पास है, आपको इस बात से डीमोटिवेट नहीं होना कि आप ही परेशान हो रहे हैं, दोस्तों हर विद्यार्थी परेशान हो रहा है, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं लेकिन परेशानी नहीं दिखाते और चेहरे पे मुस्कान रखते हैं, जिससे जिसको तनाव हो रहा था और जो चेहरे पे मुस्कान नहीं रख पा रहा था वो और डिप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला बढ़िया, उसकी तैयारी बढ़िया है, और जो ऐसा सोच रहा है उसकी तैयारी बेटर होने के बावजूद वो और डीमोटिवेट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, सभी विद्यार्थियों को, जो इंसान हैं, भगवान हो अलग बात है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंसान हो विद्यार्थी हो, तो एग्जाम के समय आपने मेहनत करी है तो आपको तनाव होगा ही, इस बात का आप ध्यान रखें, आपको उसको मैनेज करना होगा और मैनेज करके आगे निकलना होगा। तो दोस्तों यहां पर दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का फायदा है, जिन्होंने थोड़ी बहुत कम तैयारी है, जिनकी 5-10% की बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है तो उनका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा आप खुद सोचिए। जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी करी है वो भी बिल्कुल शांत मन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाएं, तो वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, और जिन्होंने तैयारी करी है वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित माने और इसी आत्मविश्वास के साथ एग्जाम को देने जाएं। अब एक बात सोचिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एग्जाम होते हैं वो युद्ध की तरह होते हैं। अब आप अपनी व्यवहारिक लाइफ में देखिए, मान लो कभी आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, तब आप की तैयारी नहीं भी होती है या आप सामने वाले से कमजोर भी हैं, फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने दहाड़ते हैं। क्यों? यदि आप कमजोर हो गए तो सामने वाला आप पर हावी हो जाएगा। तो सेम कंडीशन एग्जाम में भी है दोस्तों, एग्जाम युद्ध की तरह है। यदि आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, फिर आप एग्जाम को देने जाएंगे तो आप एग्जाम के ऊपर आप हावी हो जाएंगे। जो स्कोप है प्रश्नों को सही करने का, वहां पर आप प्रश्नों को सही कर ले जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, युद्ध की तरह आपका एग्जाम है, आपको वहां पर आत्मविश्वास दिखाना है। जितनी तैयारी आपने करी है उससे प्रश्न आता है, तो वहां से प्रश्न आपको गलत नहीं करना, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक। इसके अलावा अब बात आती है कि दोस्तों लास्ट में रिवीजन कैसे किया जाए। दोस्तों इसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो बनाकर कर लेते हैं, ठीक। इसके अलावा एक बात और दोस्तों, जिनको लगता है कि यार होगा नहीं होगा, तैयारी ज़्यादा करने के बाद भी लगता है कहीं कमी रह गई है या कुछ भी, तो आप ऐसे पॉइंट्स को ध्यान रखें अपने, जो आपको लगता है कि सिर्फ मेरे तैयार है, यहाँ से प्रश्न आएगा तो मैं उनको कर ही डालूंगा, या फिर आप इतनी मेहनत कर लें, आने वाले 2-5 दिनों में खूब मेहनत करें और आपके मन में ऐसा विश्वास हो जाए कि इतनी मेहनत किसी और ने नहीं की होगी, इतनी मेहनत करने के बाद यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, इस प्रकार का विचार आप अपने मन में बनाएं और बस एग्जाम को सीधे देने जाएं। चिंतित नहीं होना है, निरंतर मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।